एक बात बहुत स्पष्ट है कि जितने भी चुनाव होते हैं उसके अंदर कांग्रेस का इम्तिहान होता है, बड़ा इम्तिहान होता है। हर चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण है, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं जो कम महत्व रखता हो। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जहां कहीं भी सत्ता दल होता है हमेशा चुनौती उसके लिए बड़ी होती है, खास करके तब जबकि वहां पर गुजरात की बात करें जहां से कि प्रधानमंत्री भी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निकल करके आते हैं। जी, पिछले 20-25 दिनों के अंदर जिस तरह से गुजरात की राजनीति में परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से वहां जय शाह का मामला निकल करके आया है, जिस तरह से करप्शन के घेरे के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी हुई है, जिस तरह से वहां के जो सामाजिक तौर के ऊपर जिस तरह से असंतोष है वो निकल करके सामने आया है, जो वहां के पास आर्थिक रूप से जिस तरह से वहां के गुजरात के जो व्यापारी हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, वो लोग एक लामबंद हुए, इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा बहुत खराब स्थिति में है। और ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं और गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेतागण हैं वो लोग भी जानते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से वो चाहते थे कि चुनाव से इस बात का जवाब अशोक गोयल जी से लेंगे और गोयल जी समझेंगे हालात क्या है। हिलाल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि शंकर सिंह बाघेला के जाना कितना इफेक्ट कर रहा है आप लोगों को, उनका स्टैंड क्या कांग्रेस के लिए खतरा बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अनंत, बहुत अच्छा हुआ है कि शंकर सिंह बाघेला साहब जो हैं वो चले गए हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में जिस तरह से कांग्रेस के अंदर आपस में खींचतान मची हुई थी आज की तारीख में वो खींचतान समाप्त हो चुकी है। पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ रही है, तो इसलिए शंकर सिंह बाघेला जी का जाना जो है वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत शुभ संकेत है, उनका जाना जो है वो हमको लाभ ही पहुंचाएगा। जी, ठीक है।